सिद्ध करें कि समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे, आधार गुणे शीर्षलंब, ये होता है कैसे, ध्यान दीजिएगा, शीर्षलंब यानी b इंटू एच होता है कैसे, ठीक ना। तो आप लोग सभी स्टूडेंट सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, देखिए सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, बहुत इजी है, आप लोग परेशान बेकार का होते हैं, बहुत इजी है। अब देखिए a b c d, तो समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजा क्या होती है, समान होती है। मान लीजिए ये b है और ये मान लीजिए a है, तो ये भी a हो जाएगा और ये भी b हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या किया, ध्यान दीजिए, ये समांतर चतुर्भुज है, माना कि, माना कि a b c d एक समांतर चतुर्भुज है, क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब देखिए याद रखिएगा, जिस पर लंब डालेंगे वही उसका आधार कहलाएगा। अब क्या किए हम, यहां से ध्यान, पहले इसको मिला दिए, इसको भी कर डालिए, इसको भी कर डालिए, इसी भी कर डालिए, अब इस पर एक लंब डालिए, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये देखिए ये लंब डालिए, ठीक ना, ये लंब डालिए, इसकी ऊंचाई मान ली, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट्स, यहां से लंब डाल दिए, इसकी ऊंचाई कितने भी है, तो डिफरेंट है, यहां से भी यदि लंब डालेंगे, ये समांतर चतुर्भुज है, तो यहां से यहां तक की भी ऊंचाई क्या होता है, कि h है, h है, यहां से यहां भी लंब डाल दीजिए, ये डाल दीजिए, ठीक। अब देखिएगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, a को c से मिला दिया, c से मिलाया, a को किससे मिला दिया, c से मिला दिया। अब देखिए a से, a से, a से इसको मान लीजिए a m, ठीक है, ए से ए एम लंब डाला डी सी पर, डी सी पर, और ए एम बराबर, ए एम बराबर एच माना, तो जो समांतर चतुर्भुज है इसका मतलब जो इसकी ऊंचाई होगी ठीक इसी प्रकार सी से भी क्या किए लंब डाले बी ए बी पर, सी से सी इसको मान लीजिए एन, ठीक है, सी से सी एन ए बी पर, ए बी पर लंब डाला, लंब डाला। तो याद रखिए दोनों सेम आर, यानी दोनों क्या है समांतर भुजाओं पर लंब डाले, तो इसलिए दोनों की ऊंचाई क्या हो जाएगी बराबर होगी, इसलिए cn बनता है, इसलिए cn बराबर भी क्या हो जाएगा h होगा। तो अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो ध्यान दीजिएगा, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज abcd का क्षेत्रफल, तो अब देखिए समांतर चतुर्भुज abcd का क्षेत्रफल, तो इस त्रिभुज adc का क्षेत्रफल कर सकते हैं, त्रिभुज adc का क्षेत्रफल प्लस अब त्रिभुज, देखिए adc का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल, प्लस क्या होता है, त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब देखिए कर दी, ध्यान दीजिए, अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल, देखिए इसमें आधार ये होगा, क्योंकि लंब डाले इसमें, यदि हम लंब डालते इधर से ना तो आधार ये होगा, समझे कि, और यदि लंब डालते इधर से तो आधार ये होता, कोई दिक्कत, तो चूंकि हम लंब डाले इधर से इसलिए आधार ये हो गया, लंब डाले इधर से इसलिए आधार हो गया, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार, तो आधार इसमें क्या है BC, अब गुणे ऊंचाई, ऊंचाई क्या है AM, AM प्लस, फिर देखिए अब त्रिभुज क्या है ACB का क्षेत्रफल, ACB का क्षेत्रफल 1/2, इसमें आधार क्या है AB, अब गुणे क्या हो ऊंचाई, ऊंचाई क्या है CM, ऊंचाई है CM। अब देखिए 1/2 गुना DC, DC यानी यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है B, अब गुना A यानी यहां से यहां तक ऊंचाई कितनी है H प्लस, अब देखिए फिर 1/2 अब गुणे AB, तो AB का मान कितना है, AB यहां से यहां तक की दूरी, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है B, क्योंकि समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो AB बराबर भी क्या हो गया, अब CM ऊंचाई की वही H, ऊंचाई है चलिए। अब देखिए 1/2 और 1/2 कॉमन ले लीजिए, तो 1/2 जब कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, देखिए BH + BH हो गया, यानी B गुना H + BH कॉमन हो गया। तो अब देखिएगा 1/2 एक BH और एक BH कितना हो गया 2BH हो गया, 2BH हो गया, अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहां क्या हो गया, देखिए यहां पर क्या हो गया, किसका क्षेत्रफल चल रहा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर तो हो गया, यानी देखिए क्या हो गया B * H, तो b into h, तो b क्या माने है आधार माने है और h क्या है शीर्षलंब के, इसलिए b into h and base into height, अर्थात समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया आधार गुने शीर्षलंब, आधार गुने शीर्षलंब हो गया, सिद्ध कर दिया।